आज आई लॉस्ट एवरीथिंग। मेरी जो मैकबुक प्रो है 2019 वाली, जिसको लेके मैं बहुत ब्रैग करता था, इट्स डेड। और प्रॉब्लम ये है, मैं उस पर काम कर रहा था एंड काम करते करते वो पूरी बंद हो गई। आई ट्राइड एवरी ट्रबल शूटिंग स्टेप लेकिन कुछ काम नहीं किया। एंड मैकबुक के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कुछ भी पार्ट आपका डेड हो जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव को वाइप आउट करना पड़ता है। उसकी वजह से जो भी मेरा मैकबुक में डेटा है वो सब अब रिमूव हो जाएगा और उसको रिकवर करने का मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसमें मेरा बहुत सारा डेटा था, बहुत काम का डेटा था। मेरे पूरे यूरोप के व्लॉग्स जो थे, मैं पहली मेरी यूरोप ट्रिप थी, सोलो ट्रिप थी, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, आई वॉज़ रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइज, वो सब चला गया क्योंकि सारे वीडियोज़ मेरे उसी में थे, उसका मैंने और कोई बैकअप नहीं लिया था। अब वो सब चला गया है। मेरे व्लॉग्स थे, फोटोज़ वहाँ पे बहुत सारी थी क्योंकि मेरे कैमरा की मेमोरी फुल हो जाती थी तो मैं सब उसमें ट्रांसफ़र कर देता था। जो भी मेरे व्लॉग्स फोटोज़ वगैरह थे, 18 दिन का मेरा ट्रिप था, वो सब चला गया है अभी। उसके साथ साथ बहुत सारे मेरे और भी प्रोजेक्ट्स थे जो बैकअप नहीं थे, वो सब चले गए। नाउ आई एम अ क्लाउड स्टोरेज गाय। मैंने इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, थैंकफुली वो सब मैंने बैकअप करके रखे हैं। वो सब दोज ऑल आर सेफ, कुछ गूगल ड्राइव पे, कुछ पी क्लाउड पे है, तो वो सब ठीक है। लेकिन मैं कभी पूरे सिस्टम का बैकअप नहीं लेता था एंड शायद से मुझे वो लेना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आई वॉज हैविंग, बहुत ट्रस्ट था मुझे एप्पल मैकबुक के ऊपर। एंड राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। उसी में मेरे प्रोजेक्ट्स थे, उसी में मैं जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, बहुत सारी फाइल्स उसमें थी, फाइनल कट की मेरी बहुत सारी फाइल्स प्रोजेक्ट्स उसमें थे। यूरोप के तो थे ही, और भी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे थे, फोटोज बहुत सारी चली गई। तो इतना सब था, इट्स ऑल वैनिश्ड नाउ। बैकअप, आई शुड हैव टेकन द बैकअप। जो ऑटो बैकअप हमेशा ऑन रखता है, मतलब पूरी हार्ड डिस्क को ऑटो बैकअप ऑन रखना चाहिए था। मेरे पास 100 Mbps का कनेक्शन है, उसके बाद भी अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उन्हीं का बैकअप लेके रखा। अब आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। इसीलिए अब मैं यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए आया हूँ कि अब व्हाट शुड आई डू। इसीलिए मैं ये एक ओपन स्पेस है जहाँ पर मैं आया हूँ अभी, इट्स काफ़ी बड़ा गार्डन है ये एक तरह से, एक पीछे। नाउ आई नीड टू प्रोसेस कि अब मुझे आगे क्या करना है। अभी तो मैं काफ़ी इमोशनल स्टेट में हूँ, अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो 24 hours यहाँ पर मुझे हो चुके हैं मेरा लास्ट वीडियो जो था उसको बनाने के बाद, एंड इन 24 hours में मैंने अपना पूरा प्रोसेस कर लिया है, इनफैक्ट एक्शंस भी ले लिए हैं। सो जो मैंने डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि आई विल गेट अ न्यू मैकबुक। लिया था, मेरी नई मैकबुक आ चुकी है, दिस वन नहीं, ये सब पुरानी है, ये 2017 की है, ये 2019 की है जो ख़राब हो गई है, एंड दिस इज़ द न्यू वन। और ये पीछे इसका यहाँ पर बॉक्स है जो अभी मैं लेकर गया हूँ। सो द पॉइंट इज़, जो मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि ऐसा मोमेंट है, देखो सभी की लाइफ में आता है, व्हेन यू फील दैट एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग योर वे, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट। एंड इस मोमेंट पे व्हाट आई डिड वाज कि मैंने थोड़ी देर एब्जॉर्ब किया जो भी मेरे साथ हुआ है, बट देन उसके बाद आई क्विकली टुक माई डिसीजन कि अब मुझे क्या करना है। उस डिसीजन पे 2-3 महीने तक पॉन्डर नहीं करते रहना है कि अरे क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या क्या करूँ। सो 2-3 महीने तक उसको एनालाइज नहीं करते रहना है, फील कर लो जो भी हुआ है, ठीक है, जो भी आपको दुख दर्द है फील इट, एंड देन उसके बाद डिसाइड करो कि अब मुझे क्या करना है, अब व्हाट इज नेक्स्ट। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड, एंड मैंने यहाँ पे अच्छे से क्विकली आई थिंक डिसीजन ले लिया। एंड ये मैं इसलिए ले पाया क्योंकि आई हैड द क्लैरिटी। ये क्लैरिटी कैसे आती है, जब आप प्रायोरिटाइज करते हो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। वंस यू प्रायोरिटाइज, उसके बाद जो भी आप लोग डिसीजन लोगे ना वो जल्दी ले पाओगे। और इसमें एक और बात रहती है फाइनेंस की, फाइनेंस कैसे, क्योंकि जो मुझे अभी लैपटॉप पड़ा है उसके अराउंड 2.3 lakhs की उसकी प्राइसिंग है,
तो फाइनेंस कैसा आया? फाइनेंस आया रिजर्व फंड से, इसलिए मैं कहता हूँ रिजर्व फंड रखो। सो मेरा जो पर्सनल फाइनेंस वाला वीडियो जो मैंने रिसेंटली बनाया था उसमें भी मैंने बताया था रिजर्व फंड के बारे में, तो उस रिजर्व फंड का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। अभी फिलहाल मैंने इसको क्रेडिट कार्ड से परचेज किया है, क्रेडिट कार्ड पर मुझे यहाँ पे नो कॉस्ट की ईएमआई भी मिल गई है, मैंने वहाँ से परचेज कर लिया है अभी इसको। एंड देन मेरी जो रिजर्व फंड्स है लिक्विड फंड्स के फॉर्म पे या फिर एफडी के फॉर्म में, उसका मैं यूज़ करूँगा। और क्योंकि अब मेरी रिजर्व फंड यहाँ पे डिप्लीट हो रही है, तो मैं रिजर्व फंड को अब पहले टॉप अप भी करूँगा बिफोर मेकिंग एनी मोर एक्सपेंसेस। लाइक कोई ट्रिप नहीं जब तक रिजर्व फंड मेरी पूरी नहीं हो जाती। सो पॉइंट ये बताने का कि जिंदगी भर उसके बारे में मत सोचते रहो, ठीक है, जो होना तो हो गया, क्या पता मे बी दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट फॉर मी। अब शायद से मैं और एनर्जी से और ऑर्गेनाइज वे में आया, मे बी दिस इज़ अ लाइक अ सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स कि अब दैट यू शुड डू समथिंग न्यू, क्योंकि शायद से वही बहुत ही मोनोटनस हो रहा था, तो मे बी नाउ आई कैन डू समथिंग न्यू, कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, कुछ नई टेम्पलेट्स। तो क्योंकि मेरा पुराना सारा टेम्पलेट डेटा वगैरह चला गया है, तो मे बी दिस इज अ साइन टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करो। सो एज दिस है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आई गॉट माई लैपटॉप एंड ये वीडियो शायद से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, प्लस मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डिसीजन होते हैं जहाँ पे मैं कभी कभार खुद फंस जाता हूँ। तो उस केस में आई एम गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एंड मोटिवेट माई सेल्फ कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, अच्छे से डिसीजन ले सकता हूँ अभी, तो अगर मैं किसी दूसरे सिनेरियो में फंस जाऊँ तो वहाँ पर भी मैं ले सकता हूँ। ब्लॉग इसका मेरा जल्दी आ जाएगा कि मैकबुक को परचेस किया, इसकी अनबॉक्सिंग और मैंने कौन सा मॉडल लिया है और मेरे क्या रिव्यूज़ है तीनों मैकबुक को लेकर के, वो सब बहुत जल्दी आ जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी इमोशनल वीडियो था ये एंड आई डोंट नो, डू लेट मी नो कि आप लोग ऐसे वीडियोस देखना चाहोगे कि शुड आई कीप इट टू माई सेल्फ ओनली, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।